हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आपका अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको अपने ऑर्चर्ड की सैर करवाऊँगी और जो जो मेरे खेतों में लगा हुआ है मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगी। तो चलिए करते हैं शुरू। पहले तो आप ये देखिए हमारे आर पार का व्यू कितना प्यारा है। आज बहुत दिनों बाद थोड़ा सा आसमान साफ़ हुआ है, नहीं तो इस बार बारिशें बहुत तेज़ हो रही थी जिसकी वजह से काफ़ी सारे लैंडस्लाइडिंग भी हुए हैं खेत में, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। उससे पहले आप ये देखिए, ये है नाशपाती का पेड़ जिससे हमने नाशपतियाँ तोड़ के कब की खा भी ली। तो ये यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई है खेत, हमने उस जगह को तिरपाल से ढक दिया है ताकि और लैंडस्लाइडिंग ना हो, नहीं तो पेड़ गिरने का काफ़ी खतरा रहता है। देखिए यहाँ आगे भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, यहाँ पर ये कल ही हुई है लैंडस्लाइडिंग। तो वहाँ से आगे भी हमने तिरपाल लगाया है, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई थी। देखिए पेड़ों के लिए कितना कम जगह बचा है। और ये लगाए हमने हिमाचली खीरा बोल सकते हो इसको आप, ये हाइब्रिड खीरा होता है। ये है पम्पकिन कद्दू, हमारी लैंग्वेज में इसको कद्दू बोलते हैं। तो देखिए इसका कितना एक बेल है इसकी और कितनी ज़्यादा फैली हुई है। इसमें पम्पकिन भी लगे हुए थे जिसकी हमने सब्जी बना के खा ली, तो ये भी पम्पकिन ही है। ये वही बेल है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है। और ये है अरबी, हमारी भाषा में इसको सिल्टू बोलते हैं। तो ये है, तो मैं आपको अरबी के पत्तों की रेसिपी भी ज़रूर बताऊंगी बहुत ही जल्द। तो ये काफ़ी सारे लगाए हुए हमने, इसके बीच बीच में हमने कॉर्न भी लगाया हुआ है, मक्की। जो पॉपकॉर्न वाली अलग होती है, दूसरे वाली अलग होती है, ये पॉपकॉर्न वाली कॉर्न है। तो ये देखिए बीच बीच में लगाए हुए है हमने, काफ़ी सारी लगी हुई है। और ये है मेरा नींबू का पेड़ जिसमें नींबू काफ़ी बड़े बड़े हाइब्रिड नींबू लगे हुए हैं। ये इसमें काफ़ी बड़े बड़े नींबू लगते हैं, तो आप खुद ही देखिए कितने बड़े बड़े नींबू हैं इसमें लगे हुए। तो ये है करेला, मैंने इसी करेले की बेलों से तोड़ के करेले की सब्ज़ी बनाई थी। तो ये देखिए इसमें अभी भी बहुत सारे करेले लगने बाकी है। ये फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं तो इसमें ही करेले लगते हैं। देखिए कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है ये फ्लावर येलो कलर के। ये है परोल की बेल जिसमें कितना बहुत बड़े बड़े परोल लगते हैं, तो मैंने अभी तोड़ के रखा हुआ है, तो मैं आपको ज़रूर रेसिपी दूँगी इसकी भी। ये है हल्दी, तो हल्दी भी लगाई हुई है, थोड़ी सी है लगाई हुई पर लगाई हुई है। ये है अदरक, थोड़ा सा लगाया हुआ है अदरक भी। तो ये है दूसरा नींबू का पेड़, उसमें जो पहले वाला था उसमें काफ़ी बड़े बड़े नींबू लगते थे पर इसमें काफ़ी छोटे छोटे हैं। देखिए अभी तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं पर इसमें ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे ही होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये है बैंगन, तो बैंगन भी लगाए हुए हैं मैंने अपने खेत में। तो अभी तो काफ़ी छोटे छोटे हैं, फ्लोरिंग पे ही चला हुआ है, तो जब बड़े हो जाएंगे तो आपको भी दिखाऊंगी मैं ज़रूर, जब बड़े तोड़ूंगी और सब्ज़ी बनाऊंगी इसकी भी। तो इसके ही निचली साइड को मैंने हरी मिर्चें लगाई हुई है अपने ही खेतों। तो हम ये सब ज़्यादा क्वान्टिटी में तो नहीं लगाते, सिर्फ जो अपने लिए यूज़ होने लायक है उतना ही लगाते हैं। तो देखिए ये हरी मिर्च है, काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, थोड़ी सी लगाई हुई है हमने, ज़्यादा तो नहीं लगाई हुई है। तो आई होप आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तो तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।